हम कृषि क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। और जैसे ही सत्ता संभाली थी देश के प्रधानमंत्री ने, तो ये वादा किया था कि हम किसानों की आय 2022 तक डबल करेंगे। उस डबल इनकम करने के नाते से बहुत से सुधार केंद्र सरकार की ओर से भी हो रहे हैं, और हम प्रदेश में भी जो नए नए आयाम हैं उनके ऊपर एक एक करके हम काम कर रहे हैं। जल संचय योजना के नाम से देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अभी पिछली बार अपनी मन की बात में आह्वान किया सारे देश की जनता को, और ये योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि जल संकट एक प्रकार का एक बड़ा संकट कल को बनने वाला ऐसी जो आभास हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज प्रायोरिटी के विषय ये है हमारे कि जल का ठीक प्रयोग किया जाए, जल का वेस्टेज बचाया जाए, जल को ट्रीटमेंट किया जाए, जल का रीयूज पुनः इस्तेमाल ये किया जाए, रीचार्जिंग के नाते वर्षा का पानी जहाँ आता है वहीं उसको रोका जाए, ये सारे विषय हैं जल को बचाने के। जहाँ तक इरिगेशन के नाते, पानी के नाते, इस पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। ये ठीक है कि सॉयल में जितनी सफलता हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमने नए कई इनिशिएटिव लेकर के, चाहे वो उत्तराखंड के डैम हो, लखवार डैम हो, किसाऊ डैम हो, या फिर हिमाचल का रेणुका डैम हो, उनके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान को पानी ना जाए केंद्र सरकार ने वो भी प्रबंध किए हैं। ऊझ के ऊपर डैम, ऊझ नदी पर डैम बनाने की बात आई है या रावी पर डैम बनाने की बात आई है। अपने देश का जो पानी है वो अपने देश में ही जहाँ आवश्यकता उसकी पूर्ति हो। छोटे डैम बनाने के लिए हमने शिवालिक में कई प्रयत्न किए हैं ताकि उन प्रयत्नों के माध्यम से कम आसपास के क्षेत्रों में पानी पहुंच सके। पानी का प्रबंधन ठीक करके, डिस्ट्रीब्यूशन प्रबंधन मैनेजमेंट, उस नाते से हमने 300 टेल ऐसी थी जहां पानी नहीं पहुंचा था पिछले 30 साल, वहां भी हमने बरसात के दिनों में पानी पहुंचाने का प्रयत्न किया और लगातार वो 2 साल पहले पहुंचा, इस साल भी वो पहुंचेगा, ताकि उन क्षेत्रों के अंदर जो पानी की कमी बहुत ज़्यादा है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको कम कर सकें।